हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं मारुति की एक्सप्रेसो और रेनॉल्ट क्विड की 2019 की नए वर्जन के बीच में। दोस्तों बात की जाए, दोनों ही गाड़ी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स है, लेकिन दोनों की प्राइसिंग भी सेम ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी और कौन सी गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं और कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर पड़ने वाली है। तो शुरुआत करते हैं प्राइसिंग के साथ। तो एक्सप्रेसो की ऑन रोड प्राइस आती है 5,54,000 रुपया, ये मैं टॉप मॉडल की प्राइस बता रहा हूँ। क्विड की प्राइस आती है 5,58,000 रुपया, तो क्विड 4,000 रुपया महंगा है एज कम्पेयर टू एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको 1,000 cc का इंजन देखने को मिलता है और सेम 1,000 cc का आपको इंजन क्विड में भी देखने को मिल जाएगा। एक्सप्रेसो जनरेट करती है 67 bhp की पावर, वहीं क्विड भी 67 bhp की पावर जनरेट करता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही वर्जन में है। बात करें माइलेज, तो माइलेज आपको एक्सप्रेसो दे देगी 21.7 किलोमीटर पर लीटर का, और वहीं क्विड देती है 24.4 किलोमीटर पर लीटर। ये ARAI टेस्टेड माइलेज है, तो यहाँ पर अगर ARAI की तरफ से बात करें तो क्विड की माइलेज बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेसो। बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो एक्सप्रेसो में आपको 27 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, वहीं क्विड में आपको 28 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। एक्सप्रेसो में आपको 270 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, वहीं क्विड की बात कर लूँ तो आपको 280 लीटर का बूट स्पेस देखने मिलेगा। बात कर लें क्विड में 1 लीटर अधिक फ्यूल टैंक और आपको 10 लीटर अधिक बूट स्पेस देखने को मिलता है। वहीं टॉर्क की बात कर ले तो एक्सप्रेसो जनरेट करती है 90 Nm का टॉर्क, वहीं क्विड जनरेट करती है 91 Nm का टॉर्क। तो पावर में स्लाइटली थोड़ा सा बेटर है क्विड एज कम्पेयर टू एक्सप्रेसो। वैसे ये जो डिफरेंस है पता नहीं चलता चलाते वक्त। बात कर लें यहाँ पर हम लोग कुछ फीचर्स को हम लोग मिला लेते हैं किस में ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। तो बात कर लें सबसे पहले ये रियर सीट हेडरेस्ट, यहाँ पर आपको क्विड में देखने को मिलता है, एक्सप्रेसो में ये नहीं दिया गया है। नेविगेशन सिस्टम क्विड में देखने को मिलता है, एक्सप्रेसो में नहीं दिया गया है। गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर क्विड में देखने को मिलता है, जबकि हमें एक्सप्रेसो में ये भी नहीं देखने को मिलेगा। एयरबैग्स की बात कर लूँ तो एक्सप्रेसो में दिए गए हैं 2 एयरबैग्स और यहाँ पर लेकिन क्विड में दिए गए हैं 1 एयरबैग। तो सेफ्टी में एक बैग से वापसी की है एक्सप्रेसो ने। बात कर ले रियर कैमरा, तो क्विड में देखने को मिलता है पर एक्सप्रेसो में नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्विड एक कदम आगे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें रियर कैमरा दिया गया है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक एक्सप्रेसो में दिया गया है, जबकि आपको क्विड में नहीं देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करें लंबाई चौड़ाई और गहराई में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप हाइट की बात करें तो एक्सप्रेसो की हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्विड, लेकिन अगर आप लेंथ और विड्थ की बात कर लेंगे तो क्विड बेहतर है एज कम्पेयर टू एक्सप्रेसो। कौन सी गाड़ी में आपको ज़्यादा कम्फर्ट देखने को मिलेगा, तो दोनों गाड़ी सेम लेवल की कार है, 5-सीटर हैचबैक कार है, जहाँ पर आपको क्विड में पीछे की तरफ आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जबकि एक्सप्रेसो में ये फीचर मिसिंग है। तो यार यही था पूरा कंपैरिजन। अगर हम लुक्स की बात किया जाए तो देखिए रेनॉल्ट क्विड की फेस लिफ्ट लुक आती है और वहीं एक्सप्रेसो की वही पुरानी वाली लुक हमें देखने को मिलती है। तो फेस लिफ्टेड नया ट्रेंड चला है, तो हो सके आजकल के युवाओं को रेनॉल्ट क्विड ज़्यादा पसंद आए। तो आपको कौन सा पर्सनली कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आती है, 4,000 का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के बीच में। क्विड 4,000 महंगी है लेकिन फीचर्स भी क्विड में ज़्यादा अच्छा दे रहा है। लेकिन वही एक्सप्रेसो की बात कर ले तो एक्सप्रेसो में 2 एयरबैग और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक देखने को मिलता है, जो कि हमें क्विड में नहीं देखने को मिलता है। यही था आज का पूरा वीडियो। इंटीरियर कंसोल की बात करें तो दोनों गाड़ियों में से आपका ये भाई मन बनता है कौन ज़्यादा पसंद आता है। वैसे मैं अगर मेरी अपना जानूँ तो मुझे क्विड की इंटीरियर ज़्यादा बेहतर लगती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी पसंद आई ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।